हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशन अकेडमी। सो फाइनली दोस्तों, UGC ने नेट एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों डेट एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया है 4 दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल का। दोस्तों जैसा कि आपको पता है दोस्तों, COVID-19 की वजह से डेट पोस्टपोन हो रही थी बार बार, और नए नए शेड्यूल्स UGC की तरफ से दोस्तों शेड्यूल किया जा रहा था कि आपका एग्जाम कब होगा और कब होगा। बच्चे दोस्तों कन्फ्यूजन में थे कि भाई अब फाइनली हमारा एग्जाम हो पाएगा नहीं पाएगा। बट फाइनली दोस्तों, जो लास्ट में डेट इन्होंने अनाउंस किया था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया है। बट अभी दोस्तों एडमिट कार्ड सबके नहीं आए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किन किन बच्चों का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है, जिनका नहीं हुआ दोस्तों, तो टेंशन ना ले, जल्दी ही आपका एडमिट कार्ड भी दोस्तों रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, सो पहले हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो क्या है। तो सबसे पहले जैसे आप UGC का पोर्टल खोलेंगे दोस्तों, तो एक पब्लिक नोटिस होगा आपका यहाँ पे, यहाँ नीचे आएंगे तो देखिए पहला जो पब्लिक नोटिस दोस्तों फाइनली आ रहा है, पब्लिक नोटिस फॉर द 22/10/2021 एग्जामिनेशन रिलेटेड फॉर द UGC नेट एंड दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे पब्लिक नोटिस पे, ये PDF ओपन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये इन्होंने डेट शीट दिया था कि इस डेट को दोस्तों आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, है ना, जो कि था आपका दिसंबर में 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29 और 30, और नवंबर में दोस्तों आपका ये नवंबर में था, और बाकी 1, 3, 4, 5 दिसंबर में आपके एग्ज़ाम फाइनली शेड्यूल होने वाले थे फ्रेंड। ठीक है, तो ये डेट्स थी। अब फाइनली आपका जो न्यू नोटिस आया है दोस्तों वो देखते हैं। बात की गई है दोस्तों कि किन किन का एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया और किन लोगों का बाद में होगा। सो दूसरा वाला जो है ऊपर वाला सबसे जो न्यू है दोस्तों, उस नोटिस को आप ओपन करेंगे 13/11। ठीक है, इस PDF को ओपन करेंगे फ्रेंड, तो ये देखिए दोस्तों नया फाइनली नोटिस अनाउंस किया गया, डेट एंड द सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल फॉर द UGC नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल। द NTA विल बी कनेक्टेड UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल फॉर द जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड द एलिजिबिलिटी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर बिटवीन द 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30 नवंबर एंड द 1st, 3rd, 4th, 5th दिसंबर 2021। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका CBT बेस्ड एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड, तो ये शेड्यूल है दोस्तों। द शेड्यूल फॉर द UGC नेट 2020 एंड जून 2021 साइकिल, डेट, सब्जेक्ट एंड शिफ्ट वाइज। तो यहाँ पे दोस्तों सब सीरियल नंबर है, इधर सब्जेक्ट कोड दिया है आपका, ये दोस्तों डेज है ना, कौन से डे का एग्जाम है, 1st डे है 20/11/2021 से आपका एग्जाम दोस्तों स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो किन किन का दोस्तों 20 तारीख को एग्जाम है, ये लिस्ट दिया हुआ सब्जेक्ट वाइज, अपना सब्जेक्ट चेक कर लीजिएगा। शिफ्ट आपका दोस्तों 1st ही है। ठीक है, डे 1 में दोस्तों इन सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम होने वाला है फ्रेंड, तो ये अपना सब्जेक्ट चेक करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इन सबका एग्जाम दोस्तों 20 नवंबर को, जितने भी सब्जेक्ट्स ऊपर दिए हुए हैं उसका डे टू में दोस्तों, जो कि 21 नवंबर को है आपका एग्जाम, लॉ, साइकोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, ड्रामा, थिएटर, फिजिकल एजुकेशन, इनका 21 नवंबर को दोस्तों डे Shift 1 एंड Shift 2 के हिसाब से। ठीक है, उसका डे 3 है दोस्तों आपका 22 नवंबर, इन सब्जेक्ट्स का पॉलिटिकल साइंस, संथाली, योगा, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुमेन एडमिनिस्ट्रेशन। डे 4 में है दोस्तों आपका 24th को, इन सब्जेक्ट्स का इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, डेमोक्रेसी डेवलपमेंट, प्लानिंग डेवलपमेंट स्टडीज, इकोनॉमेट्रिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनका है दोस्तों आपका एग्जाम 24 नवंबर को है Shift 1 में। बाकी इन लोगों का लाइब्रेरी, इन्फॉर्मेशन, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, ठीक है दोस्तों, तो इनका 24 को है, डे 5 में ध्यान रखिएगा। फिर डे 5 में इन लोगों का इन सब्जेक्ट्स का है दोस्तों, ये सब्जेक्ट को ध्यान रखिएगा और डेट। फिर डे 6 में दोस्तों इन सब्जेक्ट्स का है। फिर डे 7 में हिस्ट्री, पॉल्यूशन स्टडीज़। फिर आपका 8 को है दोस्तों, सॉरी 8 डे में 30 नवंबर को इन सब्जेक्ट्स का। ठीक है, फिर 9th डे में दोस्तों इंग्लिश का है, 1st Shift एंड 2nd Shift। फिर डे 10 में इन सब्जेक्ट्स का है फ्रेंड, एजुकेशन, कश्मीरी, मलयालम, रशियन, है ना, एजुकेशन, एजुकेशन साइंस। फिर डे 11 में दोस्तों आपका असामी, बोडो, इन सब के हैं दोस्तों नेट के एग्ज़ाम। फिर आपका डे 12 जो दोस्तों है, 5, 12, 12 दिसंबर 2021 संडे को, उड़िया, तेलुगु, लेबर एंड सोशल वर्क के एग्ज़ाम है दोस्तों। सो ये थे दोस्तों डे वाइज एंड शेड्यूल दिया था कि कब एग्जाम है और कौन से शिफ्ट में है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि आपका एडमिट कार्ड किन किन लोगों का आ गया। सो द एग्जामिनेशन फॉर द 7 नेट सब्जेक्ट, एग्जाम्पल बंगाली, कनाडा, होम साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, संस्कृत, विल बी कंडक्टेड बिटवीन द 15 दिसंबर टू 23 दिसंबर 2021। द एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर दिस विल बी अनाउंस शॉर्टली इन द NTA वेबसाइट। तो ये 7 सब्जेक्ट दोस्तों हैं जिनका एग्जाम 15 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में होने वाला है फ्रेंड, तो इनका जो शेड्यूल होगा दोस्तों बाद में आएगा। ठीक है, अभी तक आपका एग्जाम 5 दिसंबर तक आ गया है, तो इन सब्जेक्ट जो बच गए दोस्तों उनका शेड्यूल जल्दी ही UGC वाले अपलोड कर देंगे दोस्तों, तो इनका अभी तक इन सब्जेक्ट्स का भी एडमिट कार्ड नहीं आया होगा फ्रेंड, क्लियर कर लीजिएगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड फॉर द कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द सब्जेक्ट्स फॉर डे 1 एंड 2 आर बिंग डिस्प्लेज टुडे। तो आज केवल दोस्तों जो डे 1 है और डे 2 वाले जो है ना बच्चे, उनके केवल एग्जाम है, यानी 20 नवंबर और 21 नवंबर को जिनका एग्जाम है फ्रेंड, केवल उनका ही है, तो ध्यान रखिएगा केवल डे 1 और डे 2 का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ दोस्तों। डे 1 वाले जो कि 20 नवंबर को एग्जाम है, ये सब्जेक्ट सारे दोस्तों चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सब्जेक्ट हैं आपके, ये सारे डे 1 के हैं और इधर डे 2 के दोस्तों। तो इनमें जिन जिन के सब्जेक्ट है ना केवल उनका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, बाकी होगा दोस्तों बहुत जल्द अनाउंस कर दी जाएगी, जैसे ही होगी दोस्तों तो नोटिफिकेशन ज्यादा आ जाएगा। तो ये लिंक दिया गया है फ्रेंड, जिसके थ्रू आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी टच विद।
सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपके जो डाउट्स होंगे दोस्तों वो क्लियर हो गए होंगे। सो अगर हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करेगा, इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा दोस्तों, ठीक है फ्रेंड। और लेटेस्ट अपडेट के लिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है मैं आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन लेके आने की कोशिश करूँगा दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक दोस्तों।